वहां अंधेरे जैसा था, अंतहीन लगता समारोह, अंधकार ढलती उठती रेत, अंधड़ सा बीच में कभी कभी। मैं यहाँ क्यों कर, मैं सोचती थी और बढ़ती जाती थी। ऐसा लगता नींद में हूँ और पांव उठ नहीं रहे। कि निकलूं पार इसके, तभी वह दिखा इस मरु का मालिक, बारहसिंघा पशु। पहले मध्यम फिर तेज गति से दौड़ता आता हुआ मेरी तरफ। मुझे कोई खौफ नहीं था, मगर मुझे मालूम था वह बस रेत है, शुद्ध धूल। जैसे उठा है वैसे ही गिरेगा भी। बस इतना देखना बाकी था, कितना हिंसक हो सकता था। मगर यह क्या, यह तो मेरे पैरों पर आ गिरा, धराशायी हाँफता। मुझे पता था यह भी उतना ही भ्रामक कृत्य है जितना इसका बाकी सब कुछ। बलिष्ठ देह, सुंदर सींग, मैं उसके उठने का इंतजार करने लगी और वह रेत होता गया, अंधकार का मरु। अंधकार का मरु शीर्षक भी है इस कविता का। ये मृग मरीचिका है या ये उससे बृहत्तर कोई बात है? रेगिस्तानी जंगल में, मुझे लगता है सवाई माधोपुर से आगे रणथंबोर में बारहसिंघा को देखने का एक अनुभव, या एक शेर ही सामने आ जाए ऐसे एक मरु में। और सब पाब्लो नेरुदा की कविता है, अंततः हम सब धूल हैं और कुछ पीले फूल। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यह कविता सविता सिंह की, उनके संग्रह खोई हुई चीज़ों का शौक से।